नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, एक बात ये पूछना आप लोगों से ज़रूरी समझ रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि भाई अपना तो खुली किताब है, जो भी बातें होगी आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। अब आपको लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता। ये कमेंट जब से मैंने ये सिस्टम बनाया कि ये बनाया था तो भी आपसे पूछ के बनाया कि भाई मैं फीस स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि दोनों तरफ से सिस्टम सही बना रहे, ठीक है। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि कम से कम मान के चलिए रोज़ के 50 मैसेज ऐसे आते हैं जो वीज़ा इंक्वायरी, ठीक है, जिनके बंदे मलेशिया में फंसे पड़े हैं, इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, एजेंट ने पैसे खा गया, पासपोर्ट फंसा पड़ा है, उनको इंक्वायरी लेना है, वीज़ा चेक करवाना, ऑफर लेटर चेक करवाना, ज़्यादा यूरोप से रिलेटेड मैसेज आते हैं। वो उनका मैसेज टाइप पता सर बताइए, जैसे मैं मैसेज डालता हूँ सर 1100 रुपये आपको जमा करवानी है, आपके कोई प्रॉब्लम है, तो उस बंदे का दोबारा मैसेज नहीं आता, ठीक है। अब इनमें दिक्कत ये आती है यार कि जो आदमी विदेश जाना चाहता है, लाख रुपया कम से कम, मैं निचली स्तर की बात करूँगा, लाख रुपया उसका मिनिमम खर्चा है, ठीक है। अब लाख रुपये देने के बाद भी उसको 100% श्योरिटी नहीं होती कि यार अपना काम होगा, सही होगा, गलत होगा, अपनी कंपनी फंस जाएंगे या एजेंट फर्जीवाड़ा कर देगा, धोखा कर लेगा, पैसा खा जाएगा, वगैरह वगैरह। उन चीज़ों की मैं श्योरिटी देता हूँ इंक्वायरी करके, फिर भी लोगों को 1100 रुपये पता नहीं क्यों ज़्यादा लगता है, या रियल में या उनके पास है नहीं पता नहीं भाई मुझे, लेकिन होने का तो नहीं होने का सवाल नहीं होता, क्योंकि लाख रुपये जो बंदा देके जा रहा है। अब एग्जांपल दूँ, मलेशिया में आदमी आना चाहते हैं, सर जी मेरे को 7 महीने हो गए इलीगल हूँ, मेरे को घर आना है, कैसे आऊँ, प्लीज़ मुझे जल्दी आना है घर पर। अब उसको ये पता है, मैं बोलता हूँ भैया देखिए इंक्वायरी मैं दे दूँगा आपको, 1100 रुपये मेरी लीगल फीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी अकाउंट में। सर जी मेरे पास पैसा नहीं है। अब उनको कौन समझाएगा भैया तू इंडिया आएगा, तेरा 40,000 खर्चा आएगा, वो कहाँ से आएगा, मेरा 1100 रुपये तेरे पास नहीं है, ठीक है, जो आपको सही गाइडेशन दे रहा हूँ, और जो 40,000 तू खर्च करके इंडिया आएगा वो तेरे पास से कहाँ से आएगा। लेकिन वो सोचने का डिफरेंस आ जाता है। हालांकि काफ़ी भाइयों ने पैसा जमा करवाया, ऐसी कोई बात नहीं, उनका समस्या का समाधान भी मैंने किया, 2-4 बाकी है उनका कर देंगे। तो मैंने इस टॉपिक की कुछ बातें रखी हैं आप लोगों के साथ में, तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के सजेशन मेरे पास आए कि सर इस फीस को कम करें। अब कम करने के पीछे लॉजिक क्या है वो मैं बता दूं। सर जी फीस बहुत ज़्यादा है 1100 रुपये, बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है, व्हाट्सएप पे कमेंट आता है कि सर फीस बहुत ज़्यादा है आपकी, सर डॉक्टर भी 200 से 400 फीस लेता, आप 1100 रुपये ले रहे हो, ठीक है। उनके कमेंट बता दूं, सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, सर मैं पैसा नहीं दे सकता, हालांकि विदेश के नाम पर लाख रुपये खर्च कर देता है बंदा, मेरा पैसा 1100 रुपये नहीं दे पाता, सर मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे विदेश जाना है। अब आप गरीब हो विदेश जाना है तो भैया विदेश जाओगे तो पैसा तो लगेगा, लाख रुपये मिनिमम खर्चा आएगा, वो कहाँ से आएगा। चलो आप मुझे 1100 रुपये मत दो, लेकिन विदेश जाओगे तो लाख रुपये कहाँ से लेके आओ। सर इतनी सी बात के 1100 रुपये, यानी सर मेरे को एक बात पूछनी है, आप 1100 रुपये लोगे, यानी वो बात वो नहीं है, वो बात लाख रुपये की है। सर वीज़ा चेक करवाने गया, भाई वीज़ा आप लाख रुपये दोगे वीज़ा चेक होने के बाद, तो बात तो लाख रुपये की चली गई ना, समझ रहे हो बात को, बात तो लाख रुपये की है, इतनी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन सर मैं काम करके दे दूंगा, सर मैं बहुत गरीब हूँ, तो ये सब सिस्टम मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो इनका समाधान क्या किया जाए। तो मैंने एक डिसीजन ये लिया, काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दिया, ऑनलाइन कमेंट तो मेरे पास 2 महीने से आ रहे थे, लेकिन अभी मैंने ये सिस्टम ये सोच रहा हूँ मैं कि 1100 की बजाय इसको मात्र 500 रुपये कर दिया जाए। 500 रुपये तो बंदे दे सकते हैं यार, 500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती, लाख रुपये का मैटर आता है, 1100 की जगह 500 रुपये तो हर इंसान दे सकता है, हर इंसान का मतलब जिनको ज़रूरत है वो दे सकता है, ठीक है। तो साथियों मैं सोच रहा हूँ कि 500 रुपये पर कैंडिडेट कर दूँ, ताकि लोगों की ज़्यादा हेल्प हो सके। हो सकता है काफ़ी लोगों के इमोशन ऐसे होते हैं कि रियल में इनके पास पैसा नहीं है, तो 500 रुपये साथियों मैं करने की सोच रहा हूँ। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो में आप ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ विदेश से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड सही जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।